हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई मैथ टॉपिक पर आप सभी का स्वागत है। गाइस गाइस, आज हम न्यू मैथ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिस्टम। इससे पहले आपने मेरी टाइम एंड वर्क की क्लास देखी होगी। सो गाइस, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आज हमारा न्यू टॉपिक जो होने वाला है उसे आप आराम से और आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस, हम देखते हैं आज हमारे न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा न्यू टॉपिक होगा पाइप एंड सिस्टम। हेलो एवरीवन, अब आपके सामने न्यू टॉपिक आ चुका है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स के अंदर हमें क्या बताया जा रहा है। गाइस, आज हमारा तीसरा नंबर का टॉपिक है। तीसरा नंबर का टॉपिक है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम के अंदर हम सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक्स के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे सामने ये एक पानी की टंकी है, ठीक है गाइस। ये एक पानी की टंकी है जिसमें दो पाइप लगे हुए हैं। पहला पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है। पहला पाइप ए टंकी को पानी से भर रहा है, दूसरा पाइप बी टंकी से पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है, जब किसी नल से पानी टंकी भरेगी तो उसे हम पॉजिटिव साइन देंगे, और जब किसी नल से पानी की टंकी खाली होगी तो उसे हम नेगेटिव साइन देंगे। अर्थात जब नल ए टंकी को भरेगा तो हम इसे पॉजिटिव साइन देंगे, और वहीं बी जब भरी हुई टंकी को खाली करेगा तो हम उसे नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है गाइस। अब हम इससे इसके बेसिक्स के बारे में समझते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है ए नल है, ए नल एक टंकी को 20 मिनट में भरता है, ठीक है। ये हम इसे पॉजिटिव साइन देते हैं, और वहीं बी नल इसी टंकी को 30 मिनट में खाली करता है। तो गाइस, अब हम इसे नेगेटिव साइन देंगे। तो गाइस, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 और 30 का एलसीएम होगा 60, ठीक है गाइस। तो हमें पता चल चुका है इस टंकी के अंदर टोटल कितना पानी आएगा, टोटल कैपेसिटी 60 लीटर, ठीक है गाइस। गाइस, अब हम इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। जब टंकी की टोटल कैपेसिटी 60 लीटर है और टंकी 20 मिनट में भर जाती है तो प्रति मिनट टंकी में कितना पानी आ रहा है, 3 लीटर यूनिट। 60 डिवाइड बाई 20, 3 लीटर प्रति मिनट, ठीक है गाइस। वहीं यहाँ पर देखते हैं बी वाला, बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर, और बी इसी कैपेसिटी को 30 मिनट में भरता है, टोटल कैपेसिटी को 30 मिनट में भरता है। तो गाइस, देखते हैं प्रति मिनट कितना लीटर आ रहा है इसके अंदर। तो 60 डिवाइड बाई 30, तो 2 लीटर प्रति मिनट, ठीक है गाइस। ये था हमारे पास इफिशियंसी आ चुकी है इन दोनों की, अर्थात हम इन्हें इफिशियंसी से डिनोट करते हैं, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हुए, अगर ये दोनों नल ए और बी दोनों मिलकर इस टंकी को, हमें पूछा जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। सो गाइस, हमें पता चल चुका है ए प्रति मिनट में 3 लीटर पानी भरता है, वहीं बी 2 लीटर पानी निकालता है, ठीक है। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, कार्य करने की एफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क हमारे पास 60 यूनिट, 3 लीटर से भर रहा है 1 मिनट में, वहीं 2 लीटर से बाहर निकल रहा है 1 मिनट में। सो गाइस, 3 माइनस 2 इक्वल होगा 60 अपॉन 1, तो हमारा आंसर होगा 60 मिनट में टंकी भर जाएगी। सो गाइस, अब हम
इसे आगे देखते हैं, पाइप एंड सिस्टम टाइम एंड वर्क की तरह डिनोट करता है गाइस, टाइम एंड वर्क। तो गाइस मेरी इससे पहले टाइम एंड वर्क की वीडियो डाली हुई है माय यूट्यूब चैनल सुनील शर्मा भाई मैं टॉपिक पर, तो गाइस आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर जिस प्रकार ए और बी कार्य करते हैं उसी प्रकार यहाँ पर ए और बी नल कार्य कर रहे हैं। इन दोनों में सिमिलरिटी होती है पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के अंदर। तो गाइस जिस प्रकार टाइम एंड वर्क के अंदर कार्य होता है वैसे ही यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम में टंकी को भरा जाता है। जैसे पाइप है यहाँ पे भर रहा है तो वहीं पाइप भी यहाँ पे टंकी को खाली कर रहा है। तो गाइस यह था इसका बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर। अब हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो गाइस देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक बटन पर क्लिक करें। तो गाइस अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। सो गाइस अब हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है पाइप एंड सिस्टम का। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, इसके बाद में इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बोला जा रहा है दो नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 8 बाय 12 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल सी उसे 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। सो गाइस हम इसे टाइम एंड वर्क की तरह ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं हम किस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें बोला जा रहा है ए एवं बी टंकी को क्रमशः 8 बाय 12 घंटे में भर सकते हैं। ए एक टंकी को भरता है 12 हॉर्स में, वहीं बी उसी टंकी को भरता है, ए यहाँ पर 8 हॉर्स में भरता है और वहीं बी उसी टंकी को 12 हॉर्स में भरता है। और बोला जा रहा है तीसरा नल सी उसे 6 घंटे में खाली करता है। तो गाइस जैसे मैंने सबसे पहले बेसिक के अंदर बताया था, जो नल भरेगा वो पॉजिटिव स्पीड से भरेगा और जो नल खाली करेगा उसे हम नेगेटिव स्पीड से खाली करेगा। सो गाइस अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। 8, 12, 6 का एलसीएम कितना होगा 24। अर्थात हमें पता चल चुका है इस टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी। टोटल कैपेसिटी 24 लीटर होगी गाइस, ठीक है। अब इसका हम इफिशियंस निकाल सकते हैं हम अब इन तीनों की। गाइस टोटल कैपेसिटी कितनी है 24 लीटर, और कार्य ये नल एक कितनी देर में पानी इससे भर देता है 8 हॉर्स के अंदर भर देता है। तो गाइस प्रति हॉर्स कितनी एफिशिएंसी से पानी भर रहा है 24 / 8 3 हॉर्स प्रति लीटर की स्पीड से नल ए पानी भरता है, वहीं बी 2 हॉर्स प्रति लीटर किधर से पानी भरता है, वहीं सी 24 / 6 4 हॉर्स प्रति लीटर किधर से ये टंकी को खाली करता है। ये पॉजिटिव इफिशेंसी होगी, इसकी पॉजिटिव होगी और इसकी नेगेटिव होगी, ठीक है गाइस। ये हमें इन तीनों की इफिशेंसी का पता चल चुका है गाइस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। गाइस ए बी और सी यदि तीनों नल खुले रहते हैं तो टोटल कैपेसिटी कितनी है टंकी में 24 लीटर, और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट्स, वहीं बी की एफिशिएंसी कितनी है 2 यूनिट्स, और वहीं सी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट्स। सो गाइस 3 to 5, 5 - 4 तो हमारे पास आ गया 24 लीटर / 1 अर्थात 1 hours। तो गाइस ये कार ये टंकी कितनी देर में भरेगी 24 hours में। सो गाइस ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो गाइस अब हमारे सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन के आंसर पर डिस्कस करेंगे।
दो नल एक्स और वाई किसी टंकी को क्रमशः 15 मिनट व 20 मिनट में भर सकते हैं। एक तीसरा नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। एक्स और वाई नल 6 मिनट तक खुले रहते हैं। इसके बाद दोनों नलों को बंद कर दिया जाता है और नल जेड को खोल देते हैं। तो बताओ वह उसे कितने समय में खाली कर देगा। सो गाइस, अब हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या बोला जा रहा है? नल एक्स और वाई 15 मिनट व 20 मिनट में भरते हैं। एक्स 15 मिनट, वहीं वाई 20 मिनट। और तीसरा नल है जेड, जो उसे 6 मिनट में खाली करता है। तो गाइस, इसकी इफिशेंसी नेगेटिव होगी, इनकी पॉजिटिव होगी, इनकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक्स और वाई दोनों भर रहे हैं और जेड खाली कर रहा है। तो गाइस, अब हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। 15, 20 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 60। तो हमें पता चल चुका है एक्स और वाई और जेड की टोटल कैपेसिटी कितनी होगी? 60 लीटर। अर्थात इस टंकी की टोटल कैपेसिटी 60 लीटर होगी। तो गाइस, अब हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी हम देखते हैं, टोटल कितना है? 60 लीटर। और कितनी देर में भरता है एक्स? 15 मिनट में। तो 60 डिवाइड बाई 15, यानी 4 लीटर प्रति मिनट। ठीक है गाइस, 4 लीटर प्रति मिनट। वहीं वाई 60 लीटर है, 20 मिनट में भर देता है। तो प्रति मिनट कितना होगा? 60 डिवाइड बाई 20, 3 लीटर प्रति मिनट। वहीं जेड को देखते हैं हम, टोटल 60 लीटर है, वहीं खाली कितनी देर कर देता है? 6 मिनट में। यानी कि जेड नल की स्पीड बहुत ज़्यादा है, जिससे टंकी भरी हुई खाली हो जाती है। तो 60 डिवाइड बाई 6, 10 लीटर प्रति मिनट। तो गाइस, अभी हम इन तीनों की एफिशिएंसी का हमें पता चल चुका है। ये इन तीनों की एफिशिएंसी है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। बोला जा रहा है एक्स और वाई 6 मिनट तक खुले रहते हैं, एक्स और वाई 6 मिनट ओपन। ठीक है गाइस, 6 मिनट तक ओपन रहते हैं। प्रति मिनट कितना कार्य करते हैं एक्स और वाई? एक्स करता है 4 लीटर प्रति मिनट और वाई करता है 3 लीटर प्रति मिनट। तो टोटल कितना हो गया? 7 लीटर प्रति मिनट। और कितनी देर तक खुले रहते हैं? 6 मिनट तक। तो इनके द्वारा कितना कार्य किया गया है 6 मिनट तक? अर्थात कितनी टंकी भरी गई है इनके द्वारा? 7 × 6, 42 लीटर टंकी भरी गई है। फिर बोला जा रहा है इन दोनों को बंद कर दिया जाता है, इन दोनों को बंद कर दिया जाता है और फिर नल जेड को खोल दिया जाता है। तो गाइस, जेड प्रति मिनट कितना एफिशिएंसी बाहर निकाल रहा है? 10 लीटर प्रति मिनट। ठीक है गाइस, जेड निकाल रहा है 10 लीटर प्रति मिनट। जेड खाली करेगा 42 लीटर। एक्स वाई द्वारा भरा हुआ है और जेड की एफिशिएंसी कितनी है नेगेटिव में? 10 लीटर प्रति मिनट। ठीक है गाइस, टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? हम इसको पहले काट देते हैं, उसके बाद में हम फोर से ही 2y 10, तो 2 से 10 कट रहा है, 4 से ही 1y 5 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 से ही 1/5,
चार सही, 1/5 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, अर्थात 4 सही, 1/5 × 60, 4 मिनट 12 सेकंड में टंकी खाली हो जाएगी गाइस। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको रीड करते हैं। क्या है तीसरे नंबर क्वेश्चन, देखते हैं हम। तो गाइस अब हमारे सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। दो नल ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी नल सी उसे 10 मिनट में खाली कर सकता है। पहले नल ए और बी को 5 मिनट तक खुला रखते हैं, फिर इसके बाद निकासी नल सी को भी खोल दिया जाता है। तो बताओ टंकी कुल कितने समय में खाली हो जाएगी। तो गाइस इसके आंसर के बारे में अब डिस्कस करते हैं, निकालते हैं इसका आंसर। अब ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 30 व 40 मिनट में भर देते हैं। ए कितनी देर में, 30 मिनट में, वहीं बी 40 मिनट में टंकी को भरता है, और एक निकासी नल सी वह टंकी को 10 मिनट में खाली करता है। ठीक है, ये इसके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव से खाली करता है, और ये पॉजिटिव से भरता है, और ये पॉजिटिव से भरता है। साइन का ध्यान रखना है गाइस यहाँ पर, क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, कौन सा नल भर रहा है और कौन सा खाली कर रहा है। 40, 30 और 10 का एलसीएम कितना होगा गाइस, 120। ठीक है गाइस, 120 लीटर होगा टोटल कैपेसिटी हो गई है, और इनकी अब इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं, ए बी और सी तीनों की। ये पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, और ये नेगेटिव होगी। ठीक है गाइस, टोटल कितना है, 120 / 30 कितना आएगा, प्रति मिनट कितना लीटर पानी भर रहा है नल ए, 4 लीटर प्रति मिनट। ठीक है गाइस, वहीं 120 / 40 3 लीटर प्रति मिनट से टंकी को भर रहा है, वहीं 120 / 10 तो गाइस यहाँ पर लग रहा है इसको 12 मिनट, 12 लीटर प्रति मिनट की दर से ये टंकी को फिल करता है। ठीक है गाइस, यहाँ पर बोला जा रहा है पहले नल ए और बी को 5 मिनट तक खुला रखते हैं, ए और बी को 5 मिनट तक खुला रखते हैं, ए प्लस बी 5 5 मिनट ओपन। ठीक है गाइस, 5 मिनट तक इनकी इफिशियंसी कितनी होगी, टोटल ए और बी की 4 + 3 7 लीटर प्रति मिनट, 7 लीटर प्रति मिनट, और कितनी देर तक, 5 मिनट तक। ठीक है, टोटल कितना कार्य हुआ, कितना लीटर पानी टंकी में आया, 7 × 5 = 35 लीटर पानी टंकी में आया। फिर बोला जा रहा है इसके बाद निकासी नल सी को भी खोल दिया जाता है, ए प्लस बी प्लस सी, सी माइनस में होगा गाइस, यहाँ पर देखते हैं 4 + 3 और -12, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 7 7 - 12। तो गाइस सी खाली करता है टंकी को 5 - 5 लीटर प्रति मिनट की दर से, 12 में से 7 निकलेंगे तो हमारे पास 5 बचेगा। टोटल कार्य कितना हुआ, टोटल कार्य हुआ है 35 लीटर, जिसे अब कौन खाली करेगा, नल सी खाली करेगा। तो बताओ टंकी कुल कितने समय में खाली हो जाएगी, टोटल लीटर कितना पानी फिर
किलो आता 35 लीटर और सी 5 लीटर से खाली कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम सम करते हैं तो हमें नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। नेगेटिव प्राप्त होता है तो नेगेटिव का साइन क्या होता है, हमेशा टंकी को खाली करेगा। तो 5 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली करता है, इसको हम काट देंगे तो 7 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली हो जाएगी। 7 मिनट में खाली हो जाएगी गाइस टंकी। यह था इस क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस अब आपके सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो गाइस अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो मेरे 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 चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब हम देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमश 36 मिनट व 45 मिनट में भर सकते हैं, कितने मिनट बाद नल बी को बंद कर दें ताकि टंकी 24 मिनट में भर जाए। तो गाइस इसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करते हैं क्या बोला जा रहा है। ए और बी टंकी को 36 व 45 मिनट में भरते हैं। ए एक टंकी को फिल करता है 36 मिनट में, वहीं बी उसी टंकी को फिल करता है 45 मिनट में। तो गाइस इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 36 45 का हम एलसीएम निकालते हैं तो देखते हैं किसका मल्टीपल है दोनों। देखते हैं हम 9 4 और 9 5। तो गाइस यहाँ से प्राप्त हो रहा है 9 9 4 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं 9 चौक 36, 36 पंजे 180। तो गाइस हमें पता चल चुका है इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 180। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी टंकी, 180 लीटर। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी गाइस, इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 36 प्रति मिनट में। ये टंकी फिल हो जाती है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ध्यान रखना। 180 डिवाइड बाय 36, 5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है गाइस। वहीं 180 डिवाइड बाय 45, 4 लीटर प्रति मिनट। गाइस इन दोनों की एफिशिएंसी हमें प्राप्त हो चुकी है। क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितने मिनट बाद नल बी को बंद करें, बी को बंद कर दें ताकि टंकी 24 मिनट में भर जाए। यदि अगर टंकी 24 मिनट में भरती है और नल बी को बंद करने के लिए बोला जा रहा है तो ये 24 मिनट कौन कार्य करता है, ए कार्य करता है, क्योंकि बी को तो बंद करेंगे ना तो ए कार्य करेगा। एज टैंक फिल 24 मिनट, ठीक है गाइस। 24 और 5 लीटर प्रति मिनट कितना आएगा, 120 लीटर फिल। यानी कि 24 मिनट तक जब ए कार्य करता है तो टंकी भर जाती है, ठीक है गाइस। तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा, रिमेनिंग होगा टोटल कितना है, 180 माइनस 120, कितना पानी बचा टंकी में, 60 लीटर। 60 लीटर बचता है तो इसे कौन कार्य करता है 60 लीटर को भरने में, गाइस बी कार्य करता है, क्योंकि बोला जा रहा है बी को बंद कर दें तो 24 मिनट बाद ए टंकी को फिल कर देता है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, बीज टैंक फिल कितनी देर में, 60 लीटर प्रति मिनट, कितना है बी का, 4 लीटर प्रति मिनट। तो गाइस 15 मिनट पहले नल ए को बंद किया गया था, ठीक है गाइस, नल बी को, ए को नहीं बी को, बीज नल बंद।
15 मिनट पहले नल बी को बंद किया गया था। तो गाइस ये है हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हमारे सामने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, इसे हम पहले रीड करते हैं। दो नल किसी होज को क्रमशः 10 मिनट 12 मिनट में भर सकते हैं। होज के पैंदे में लगा एक निकास नल 5 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकालता है। यदि होज खाली हो तथा तीनों नल खोल दिए जाएं तो यह 7/1/2 मिनट में भर जाती है। होज में कितने लीटर पानी आता है? यहाँ पर हमें गाइस आंसर में टोटल लीटर कैपेसिटी पूछी है, टोटल कैपेसिटी। ऑफ टैंक, टैंक की टोटल कैपेसिटी पूछी है। तो गाइस हम यहाँ पर टोटल कैपेसिटी को एक्स मानेंगे, ठीक है। अब हम इसके आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। दो नल मान लेते हैं, दो नल हैं ए और बी। ए एक टैंक को फिल करता है 10 मिनट में, वहीं बी उसी टैंक को फिल करता है 12 मिनट में, ठीक है गाइस। और होद में पैंदे में लगा एक निकास नल, यानी निकासी नल मान लेते हैं सी है, जिसे हम माइनस से माइनस साइन दे देते हैं, और ये भरने वाले हैं ए और बी, तो इन्हें पॉजिटिव साइन दे देते हैं। सी बोला जा रहा है 5 लीटर प्रति मिनट, यानी कि 5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है गाइस, पानी बाहर निकालता है ये सी। लेकिन सी कार्य कितने दिन में करता है हमें ये पता नहीं है, तो हम इसे एक्स मानते हैं, अज्यूम करते हैं एक्स, ठीक है गाइस। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है एक्स और यहाँ पर है एक्स, ठीक है गाइस। फिर बोला जा रहा है यदि होज खाली हो तथा तीनों नल खोल दिए जाएं, ए प्लस बी और माइनस सी, तीनों नल खोल दिए जाते हैं तो टैंक 7.5 मिनट में भर जाता है, ठीक है गाइस। तीनों नल खुले रहते हैं तो 7.5 मिनट में टंकी फिल हो जाती है, ठीक है गाइस, 7.5 मिनट। तो गाइस इन चारों का एलसीएम कितना होगा वो हम देख लेते हैं अभी, ठीक है गाइस। 10, 12 और 7.5, इन तीनों का एलसीएम होगा गाइस 60। कैसे? 10 और 12 में कॉमन क्या आ सकता है देखते हैं यहाँ पर, और 7.5 यानी कि इसका डबल करते हैं तो 15। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 15, 12 और 10 का, जैसे मान लेते हैं 60। तो गाइस 15 डिवाइड बाय 16, जैसे 4 आ रहा है तो 4 का हम डबल कर देंगे, तो 4 का डबल कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा इन तीनों का? 8 हो जाएगा। वैसे ही 60 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं चारों की, ठीक है। 60 टोटल कैपेसिटी हमें पता चल चुकी है, टोटल कैपेसिटी, ठीक है गाइस। लेकिन ये नहीं है टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी को हम अभी एफिशिएंसी से निकालेंगे, क्योंकि हमें अभी सी का पता नहीं है, सी कितनी प्रति लीटर में टंकी को खाली कर देता है, ठीक है गाइस। तो 10, 60 डिवाइड बाय 10, 6 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। वहीं 60 डिवाइड बाय 12 तो 5 लीटर प्रति मिनट। तो गाइस अभी हम सी को स्किप करते हैं, अब हम तीनों की निकालते हैं एफिशिएंसी। यहाँ पर मैं आपको बता रहा था यदि हम 15 लेते हैं तो 4 आता है, और 4 को यदि हम डबल कर देते हैं तो हमें 8 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम तीनों की होगी 8, यानी 8 में ये फिल हो जाती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी, इसकी एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी। तो गाइस अब हम सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें
पता चल चुका है तीनों की पॉजिटिव एफिशिएंसी कितनी है, 8, और ए और बी की हमें एफिशिएंसी दी हुई है। अगर ए और बी की एफिशिएंसी इन तीनों में से निकाल देते हैं तो हमें सी की माइनस एफिशिएंसी प्राप्त हो सकती है। देखते हैं हमें कैसे एफिशिएंसी प्राप्त होती है। ए प्लस बी माइनस सी इक्वल है 8 लीटर प्रति मिनट, ठीक है गाइस, 8 है। और ए और बी हमें दिया हुआ है 5 प्लस 6 कितना हो गया 11 11 11 और 8, 11 यदि इधर आता है तो माइनस में हमें मिलता है क्या, इक्वल सी, ठीक है गाइस, 8 माइनस 11 तो सी इक्वल क्या होगा, -3 लीटर प्रति मिनट, ठीक है गाइस। अब हमें सी की एफिशिएंसी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, और ये नेगेटिव होगा। टोटल कार्य कितना है 60 लीटर। सी टैंक को खाली कितनी देर में करता है, 60 डिवाइड बाय 3, सो गाइस 20 मिनट। 20 मिनट में टैंक खाली हो जाता है और बोला जा रहा है 1 मिनट में सी टैंक से पानी निकालता है 5 लीटर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सी एक टैंक में से 5 लीटर पानी निकालता है, यानी निकासी वाला नल है जो 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो गाइस टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, टोटल कैपेसिटी होगी 20 लीटर, 20 अपॉन 5, सो गाइस टैंक की क्षमता कितनी होगी, 100 लीटर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे फिर से ट्राई कीजिएगा। देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब हमारे सामने 6 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 35 मिनट व 42 मिनट में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है। यदि निकासी नल प्रति मिनट 12 लीटर पानी बाहर निकालता है तो बताओ टंकी की क्षमता कितनी है। सो गाइस जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें बोला जा रहा है टैंक की कैपेसिटी, ठीक है गाइस, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सो गाइस यहाँ पर ए एक टंकी को 35 मिनट में भरता है, वहीं बी एक टंकी को 42 मिनट में भरता है, और सी की हमें पता नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है सी प्रति मिनट 1 मिनट 12 लीटर बाहर निकालता है, ठीक है गाइस, और ए और बी और सी 30 मिनट में भरी हुई टंकी को खाली कर देते हैं। तो गाइस इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, ये 7 का मल्टीप्लाई है तीनों और 6 का मल्टीप्लाई है, तो कॉमन ले लेते हैं हम 7 से 7, 5th से 5th और 6 से 6, 7 मल्टीप्लाई 5 35 35 मल्टीप्लाई 6 210, ठीक है गाइस। तो एफिशिएंसी के टोटल वर्क कितना होगा, 210 टोटल कैपेसिटी, लेकिन ये वाली टोटल कैपेसिटी नहीं है गाइस, ये इनका किया गया कार्य है, ठीक है। तो अब हम इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखते हैं 35 अपॉन 210 210 अपॉन 35 यानी 6 लीटर प्रति मिनट, ठीक है, वहीं 40 210 अपॉन 42 5 लीटर प्रति मिनट, और ये एक्स मान लेते हैं अभी तो अज्यूम है एक्स, और ये हो गया ए बी सी, तो 210 अपॉन 30 7 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली होती है, ठीक है, दिया हुआ है ए बी और सी,
सो गाइस यहाँ पर हमें दी हुई है ए बी माइनस सी इक्वल माइनस सेवन एफिशिएंसी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमें ए बी डी नॉट है, सिक्स और फाइव, सिक्स और फाइव इलेवन, इलेवन यदि इधर जाएगा, इलेवन यदि इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होते ही माइनस सेवन माइनस इलेवन सी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास माइनस 18 लीटर प्रति मिनट। तो सी यहाँ पर हम डी नोट कर दिया गया है। सी बोलता है भरे हुए टैंक को खाली करता है माइनस 18 लीटर से, तो यहाँ से तीन से कट किया गया है इसको, तो तीन सात 21 70 और तीन छः 18 6, फिर और आगे हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, तो 35 सही 3 मिनट बोला जा रहा है। सी एक मिनट में 12 लीटर पानी बाहर निकालता है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 3,4,140 लीटर। ये गाइस एक्स का मान यहाँ पर आ चुका है, देख सकते हैं हम 144 लीटर ये हो गया। तो गाइस ये था हमारे यहाँ पे, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर होगा 140 लीटर टोटल कैपेसिटी। तो गाइस आज यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है, तो हमारे लास्ट क्वेश्चन था, तो अब हम सेकंड क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इससे थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे। सो गाइस हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करें। थैंक यू, वेलकम।